नमस्कार, केपी न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अश्विनी। आइए दिखते हैं मुख्य समाचार। नाका हज कमेटी के नव निर्वाचित अध्यक्ष रौफ कचेरीवाला ने दिल्ली पहुंचकर मुख्यमंत्री येडियुरप्पा, मंत्री भगवंत खूबा और दूसरों से की मुलाकात। उन्हें हज कमेटी का अध्यक्ष बनाने पर अदा किया शुक्रिया। बीएस येडियुरप्पा ने पीएम मोदी से मुलाकात में कर्नाटक के सीएम पद से इस्तीफे की पेशकश की। सूत्रों ने दी यह जानकारी। गणतंत्र दिवस की अगली परेड नवनिर्मित राजपथ पर, नवंबर तक पूरा हो रहा सेंट्रल विस्टा का ये काम। ओवैसी की मदद से योगी दोबारा सीएम बने तो यूपी छोड़कर चला जाऊंगा, मुनव्वर राणा ने कही ये बात। यूरोप में आई भीषण बाढ़ में मरने वालों की संख्या हुई 120, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटका हज कमेटी के नव निर्वाचित अध्यक्ष रौफ कचेरीवाला और हज कमेटी के डायरेक्टर कबीर अहमद दिल्ली के दौरे पर पहुंचे। वहां उन्होंने कर्नाटका के मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा, केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा और रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खूबा, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे और केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री नारायण स्वामी से मुलाकात की। इन नेतागण से मुलाकात कर रौफ कचेरीवाला ने उन्हें कर्नाटका हज कमेटी का अध्यक्ष बनाने पर शुक्रिया अदा किया और हज के संबंध में बात की और कर्नाटका के हज यात्रियों का कोटा बढ़ाने और अधिक सुविधाएं देने का आग्रह किया। चिटगुप्पा में जमीयत उलमा हिंद शाख चिटगुप्पा की ओर से आज सरकारी दवाखाना चिटगुप्पा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर चिटगुप्पा के पीएसआई के अलावा चिटगुप्पा के तहसीलदार मोहम्मद जियाउद्दीन, सर्किल इंस्पेक्टर चिटगुप्पा अमोल जी काले, श्रीपद राज्य पुरोहित चीफ अफसर चिटगुप्पा, स्थानीय नेतागण मोहम्मद खादर साहब, मीर अशरफ अली माली पटेल, दिलीप कुमार बगदलकर, मौलाना तसद्दुक हुसैन नदवी, मौलाना खुर्शीद आलम कासमी, मीर राशिद अली पटेल, जमीयत के सदस्यों के अलावा उलमा और दूसरे उपस्थित थे। इस अवसर पर मुख्य अतिथियों ने रक्तदान की अहमियत बताया। जमीयत उलमा चिटगुप्पा के अध्यक्ष मौलाना तौफीक हुसैन कासमी, तहसीन नागौरी नूरुल इस्लाम, मौलवी यूसुफ के अलावा दूसरे शरीक थे। सोफी सरमस्त स्टडी सर्कल गुलबर्गा की ओर से 18 जुलाई रविवार को सुबह 11 बजे अंजुमन हॉल गुलबर्गा में जिले स्तरीय मुशायरा का आयोजन किया जा रहा है। इस मुशायरे में बीदर, गुलबर्गा, यादगीर के शायर भाग लेंगे, जिनमें सैयद सज्जाद अली, शाद सिराज वजीही, डॉक्टर माजिद दागी, काजी अनवर, नूरुद्दीन नूर, डॉक्टर चंदा हुसैनी अकबर, डॉक्टर अतीक अजमल, मुबीन अहमद जख्म, वाजिद अख्तर सिद्दीकी, राशिद रियाज, बासिर फिगार, नासिर अजीम, जावेद इकबाल सिद्दीकी, मुस्तफा आदिल, सखी सरमस्त के अलावा दूसरे भाग लेंगे। मुशायरा के कन्वेनर मुबीन अहमद जख्म ने यह बात कही। कर्नाटका के बीएस येडियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की अटकलों को बल मिला है। येडियुरप्पा ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और सूत्रों का कहना है कि इसी मुलाकात में येडियुरप्पा ने उम्र का हवाला देते हुए पद से त्यागपत्र देने का प्रस्ताव दिया था। सूत्रों का कहना है कि यह पार्टी के ऊपर है, वो इस पेशकश को स्वीकार करती है या नहीं। अगर बीजेपी नेतृत्व परिवर्तन का मन बनाती है तो 26 जुलाई के पहले नए मुख्यमंत्री शपथ ले सकते हैं। 26 जुलाई को येडियुरप्पा के मुख्यमंत्री काल के 2 साल पूरे हो जाएंगे। हालांकि उनके उत्तराधिकारी को लेकर अभी कोई नाम सामने नहीं आया है। येडियुरप्पा ने शनिवार को पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। प्रियंका गांधी इन दिनों उत्तर प्रदेश के दौरे पर है। उत्तर प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लखीमपुर खीरी की अनिता यादव से मिली। पंचायत चुनाव के नामांकन में अनिता यादव से अराजक तत्वों ने बदसलूकी की थी। नामांकन भरने के दौरान गुंडों ने उन पर हमला किया था, यहां तक कि उनकी साड़ी तक खींची गई थी। प्रियंका गांधी अनिता यादव के गांव पसगांव पहुंची और उनसे मुलाकात की। प्रियंका ने अनिता यादव को भरोसा दिलाया कि वे उन्हें न्याय दिलाएंगी और हमेशा उनके साथ खड़ी रहेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी रविवार शाम को कांग्रेस के लोकसभा सांसदों के साथ बैठक करेंगी। खबरों के मुताबिक यह बैठक रविवार शाम को 6 बजे होगी। मॉनसून सत्र के एक दिन पहले कांग्रेस सांसदों की इस बैठक को अहम माना जा रहा है। कांग्रेस मॉनसून सत्र में महंगाई, कोरोना महामारी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति को धार देने में जुटी है। इस बैठक को इसी कवायद का हिस्सा माना जा रहा है।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच आज 50 मिनट तक बैठक हुई है। यह मीटिंग प्रधानमंत्री आवास पर हुई। बैठक के बाद सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने दोनों नेताओं से मुलाकात की एक तस्वीर के साथ ट्वीट किया। राज्यसभा सांसद शरद पवार ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद सियासी अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। गणतंत्र दिवस की परेड अगले साल नवनिर्मित राजपथ पर आयोजित की जाएगी। अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का पुनर्विकास कार्य नवंबर तक पूरा होने की उम्मीद है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी, जिन्होंने चल रहे निर्माण कार्यों की स्थिति की समीक्षा की, ने कहा कि नागरिकों को एक ऐसा एवेन्यू मिलेगा जिस पर उन्हें गर्व होगा। उन्होंने ट्वीट किया, सेंट्रल विस्टा एवेन्यू परियोजना के चल रहे निर्माण कार्यों की स्थिति की समीक्षा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव, मंत्रालय और CPWD के अधिकारियों, ठेकेदार और वास्तुकार विमल पटेल के साथ की। अब तक की प्रगति संतोषजनक और समय पर है। नागरिकों को एक ऐसा एवेन्यू मिलेगा जिस पर उन्हें गर्व होगा। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। अरे मेरी बातचीत हो गई यार खान साहब से, लेकिन बार बार फोन करने का कोई मकसद ही नहीं है। छोड़ दो, तुम्हें पूरे सर्वर नंबर मालूम है। हाँ भाई, हमारे पास 6 से 6 है, सब पीसफुल है। मैं करता हूँ यार। अरे भाई, कौन सी न्यूज़ जेन्यून है, कौन सी न्यूज़ फेक है, कौन सी न्यूज़ नहीं है, कौन सी न्यूज़ पुरानी है, समझ में नहीं आ रहा। एक पे बता रहा 30 जनों को मारे, एक पे बता रहा 15 जनों को मारे। क्या है सही है क्या गलत है समझ में नहीं आ रहा। हजार कंधों में नहीं जाना। KP News 24x7 हिंदी चैनल है। सीधा उसके ऊपर डाउनलोड करो, उसके बाद देखो पल पल की खबर आपको मिल जाती। अब भी डाउनलोड कर लेता हूँ। पहले सब्सक्राइब करो यूट्यूब पे। यस, आप लोग भी KP News 24x7 हिंदी न्यूज चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए, अप टू डेट रहिए, जल्दी कीजिए। केपी चैनल के निर्देशक और नूर शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष मोहम्मद अयास खान ने एक बार फिर आगे आकर जरूरतमंदों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। राज्य में अप्रैल माह से लॉकडाउन की स्थिति बनते हुए अब जब संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है, ऐसे में रोज काम करने वालों का रोजगार छिन जाने या अन्य कामकाज बंद रहने से परेशान चल रहे लोगों को अयास खान ने अपनी ओर से मुफ्त राशन किट वितरण किया। अयास खान मुसीबत के समय लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। वह हमेशा लोगों के कठिन समय में उनकी किसी न किसी प्रकार से बिना किसी भेदभाव से मदद करते आए हैं। बीदर में लॉकडाउन के शुरू होते ही उन्होंने लोगों को संकट का सामना न करना पड़े इसलिए राशन किट वितरण किया। शहर में विभिन्न क्षेत्रों में राशन किट वितरण कर रहे हैं। इसके अलावा खान साहब के कॉलेज तक पहुंचे जरूरतमंद लोगों को भी किट दिया जा रहा है। अयास खान का कहना है कि लॉकडाउन के कारण लोगों में परेशानी और डर है, ऐसे में लोगों का काम काज बंद रहने से कठिनाई का सामना कर रहे लोगों को परेशानी न हो, इसलिए सभी धर्मों के लोगों को यह राशन किट बांटे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। हिमाचल प्रदेश के आदिवासी जिले किन्नौर में शुक्रवार रात 3.1 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि जान या माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। विभाग ने बताया कि भूकंप का केंद्र किन्नौर जिले में जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई में स्थित था। रात 11:32 पर आए भूकंप के झटके किन्नौर तथा आसपास के जिलों में महसूस किए गए। आगामी 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के एक राजनीतिक दल जोड़ तोड़ में जुटे हैं, तो वही जुबानी जंग भी मानसून के बीच यूपी की सियासी तपिश को और बढ़ा रही है। इसी बीच मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने शनिवार को मीडिया से बातचीत में बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगर ओवैसी की वजह से योगी आदित्यनाथ दोबारा सूबे के मुख्यमंत्री बने तो मुनव्वर राणा ये सूबा छोड़कर चले जाएंगे। ओवैसी के यूपी में चुनाव लड़ने पर मुनव्वर राणा ने कहा है कि ओवैसी और बीजेपी ऐसे दो पहलवान हैं जो सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए लड़ रहे हैं ताकि वोटों का ध्रुवीकरण हो सके और भाजपा को फायदा हो। राणा ने कहा कि अगर यूपी के मुसलमानों में जरा भी अक्ल होगी तो वो कभी ओवैसी को वोट नहीं देंगे।
और अगर मुसलमान ओवैसी की तरफ जाते हैं तो बीजेपी की सरकार बनने के बाद योगी आदित्यनाथ दोबारा सूबे के मुख्यमंत्री बनते हैं तो मैं मुनव्वर राणा उत्तर प्रदेश छोड़कर चला जाऊंगा, क्योंकि मैं ये मान लूंगा कि अब ये सूबा मुसलमानों के रहने के लायक नहीं बचा। मुनव्वर राणा ने पिछले दिनों एटीएस की बड़े ऑपरेशन के बाद पकड़े गए दो अलकायदा के आतंकियों के पकड़े जाने पर भी सवाल खड़े किए। दक्षिण अफ्रीका के कुछ प्रांतों में इन दिनों भारतीय और अश्वेत अफ्रीका समुदाय के बीच चल रहा है, लिहाजा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने पुलिस मंत्री और क्वाजुलू नटाल प्रांत के प्रमुख को डर्बन शहर के लिए रवाना कर दिया है। बता दें कि डर्बन में बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग रहते हैं। पिछले दिनों भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री नालेडी पंडोर से बात कर वहां के हालात को लेकर चिंता जताई थी। पश्चिमी जर्मनी और बेल्जियम के कई इलाकों में आई विनाशकारी बाढ़ में 120 से ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि सैकड़ों लापता या खतरे का सामना कर रहे लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जर्मनी के रिनेलैंड प्लांटिनेट राज्य में अधिकारियों के मुताबिक बाढ़ की चपेट में आने से अब तक 60 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 12 लोग सिंजिंग में दिव्यांग आश्रय केंद्र में रहने वाले थे। पड़ोस के उत्तर रीने विस्टाफालिया राज्य के अधिकारियों ने मृतकों की संख्या 43 बताई है और चेतावनी जारी की है कि मृतकों की संख्या बढ़ भी सकती है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटका हज कमेटी के नव निर्वाचित अध्यक्ष रौफ कचेरीवाला ने दिल्ली पहुंचकर मुख्यमंत्री येडियुरप्पा, मंत्री भगवंत खूबा और दूसरों से की मुलाकात। उन्हें हज कमेटी का अध्यक्ष बनाने पर अदा किया शुक्रिया। बीएस येडियुरप्पा ने पीएम मोदी से मुलाकात में कर्नाटका के सीएम पद से इस्तीफे की पेशकश की, सूत्रों ने दी यह जानकारी। गणतंत्र दिवस की अगली परेड नवनिर्मित राजपथ पर, नवंबर तक पूरा हो रहा सेंट्रल विस्टा का ये काम। ओवैसी की मदद से योगी दोबारा सीएम बने तो यूपी छोड़कर चला जाऊंगा, मुनव्वर राणा ने कही ये बात। यूरोप में आई भीषण बाढ़ में मरने वालों की संख्या हुई 120, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।